हाउस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ ही आबकारी नीति मामले में आरोपी विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है। दोनों की हिरासत की अवधि समाप्त हो गई थी और बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि विनोद चौहान को बीआरएस नेता के कविता के पीए के जरिए 25 करोड़ रुपए मिले थे। उसे गोवा चुनाव के लिए अभिषेक बोयनपल्ली के जरिए भी पैसा मिला था। उन्होंने साथ ही कहा कि इस महीने के अंत में विनोद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उसको मई में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मई के महीने में 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने स्वास्थ्य का आधार देते हुए जमानत की अवधि 7 दिनों की बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई थी। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 2 जून को सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर कर चुके थे। बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कल एक बार फिर सुनवाई होनी है। सुनवाई के दौरान जज न्याय बिंदु ने कहा कि मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी। हर कोई जानता है कि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। मैं सुनवाई के बाद आदेश पारित करूंगी, मैं आदेश सुरक्षित नहीं रखूंगी। इस मामले में अब कल कुछ बड़ा ऐलान होने की उम्मीद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।